आजादी के 75वें साल पर राष्ट्रीय ध्वज को देश का सलाम, आज से घर घर तिरंगा अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा, अमित शाह योगी ने भी मेगा आयोजन में की शिरकत। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों से की मुलाकात, कहा खिलाड़ियों ने तिरंगे की बढ़ाई शान, देश ने खेल के मैदान पर हासिल की उपलब्धियां। दिल्ली में आप बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज, पात्रा ने मोहल्ला क्लिनिक को हो हल्ला बताया तो संजय सिंह बोले ऐसी सोच शर्मनाक। बिहार में गठबंधन टूटने का ठीकरा फोड़ने की सियासत, सुशील मोदी का बयान, नीतीश की सहमति से आरसीपी बने मंत्री, अमित शाह ने खुद की थी बात। नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश रचने वाले आतंकी के मोबाइल से मिले पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत, 70 पेज की पीडीएफ में फिदाइन बनाने का पूरा प्लान, अफगानिस्तान और सीरिया से भी जुड़े तार। शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू को अंतिम विदाई देने उमड़ा जन सैलाब, 20 किलोमीटर लंबी निकाली तिरंगा यात्रा, मालीगांव में राजकीय सम्मान से किया गया अंतिम संस्कार। और प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जारी, जयपुर उदयपुर सहित कई जिलों में जोरदार बारिश, कई नदियां उफान पर, आज 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट।